आज हम पिक्चर सीखेंगे, यहाँ से हम पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे, यहाँ से हम कौन सी पिक्चर लेनी है। यहाँ से मसलन हमको ये पिक्चर लेनी है, यहाँ से नहीं ये पिक्चर हमारी आ गई। हमने ये पिक्चर यहाँ से हमने चला, यहाँ से हमने पिक्चर इंसर्ट किया और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ये बैकग्राउंड हमने चेंज किया इसका, यहाँ से हमको कौन सा भी कलर देना हो तो हम इसको इंसर्ट कराएंगे। और हमको ये फिर से कलर लेना पड़ेगा हमको, यहाँ से हमने ये पिक्चर लिए, अब इसको छोटा करें। हम पिक्चर लेंगे और यहाँ से हम कौन सा भी इसको कलर दे सकते हैं, कौन सा भी यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं पिक्चर का। और यहाँ से हम कोई ये कौन सा भी कलर देना पड़ेगा देखने, और यहाँ से हम इसका अफेक्ट दे सकते हैं, और यहाँ से कंप्रेस पिक्चर्स कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं, पर इंटरनेट हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं हो, यहाँ से इंटरनेट हो सकता है। रिसेट पिक्चर वापस से फिर से आ गई ये पिक्चर हमारे, और यहाँ से हमारा जो है ना काफ़ी सारे स्टाइल है पिक्चर के, ये वाला स्टाइल है और यहाँ से हम पिक्चर बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, और यहाँ से भी हम दे सकते हैं यहाँ प्रेजेंट, यहाँ से कौन सा भी हम स्टाइल दे सकते हैं, और यहाँ से शेडो में भी हम कौन सा स्टाइल दे सकते हैं, और यहाँ रिफ्लेक्शन में भी हम कौन सा भी स्टाइल दे सकते हैं, और ग्लो में भी हम यहाँ से कौन सा भी स्टाइल दे सकते हैं, और सॉफ्ट एडिटिंग में भी हम इसे कौन सा भी स्टाइल दे सकते हैं, और ब्लेंडर में भी हम यहाँ से कौन सा भी स्टाइल दे सकते हैं, टर्न रोटेशन में भी हम यहाँ से कौन सा स्टाइल दे सकते हैं। फिर से इसको हम वापस कैसे दाखिल करें, कंट्रोल जेड ये हो गया, और पिक्चर लेआउट यहाँ से कर सकते हैं। ये काफ़ी आइकॉन्स आ गए, ये बाद में सीखेंगे।
चले हम ये काम, ये और यहाँ से हम पोजीशन में कैसे दाखिल कर पिक्चर्स को यहाँ पर हैं। अब यहाँ से हम पिक्चर को दाखिल करेंगे, हो गया। फिर से यहाँ से करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे पिक्चर को, यहाँ पर टाइट करेंगे पिक्चर्स को। अब ये चुप हो रही है पिक्चर, और यहाँ से थॉट करेंगे, ये पिक्चर हो रही है, ये पिक्चर हो रही है। टॉप एंड बॉटम, यहाँ पर बिहाइंड, यहाँ से हम बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं, और कुछ यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ से ही हम कर सकते हैं सेन फॉरवर्ड, और यहाँ सेंट वेक्स कर सकते हैं, यहाँ से सेंट बिहाइंड, और यहाँ से भी हम पिक्चर को मूवमेंट करा सकते हैं सिलेक्शन फेन, यहाँ से हम पिक्चर को हाइड कर सकते हैं, यहाँ से फिर से करेंगे तो पिक्चर आ सकती है। अलाइट लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट आ गई पिक्चर, और अलाइट सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर आ सकती है। अलाइट राइट, यहाँ से राइट पर आ सकती है पिक्चर। अब हम यहाँ से हम दोनों पिक्चर को ग्रुप करेंगे, ये कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल और यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम दोनों को ग्रुप करेंगे। अब दोनों को चोर पर करवा सकते हैं, और यहाँ से हम अनग्रुप कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ फाइल वर्टिकल कर सकते हैं, यहाँ फाइल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, यहाँ से फिर से, और यहाँ से हम पिक्चर को और यहाँ से पिक्चर को शेव कर सकते हैं, पिक्चर को शेव कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर को ही हम
اختراع کر سکتے ہیں. کہ یہاں سے پکچر شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں پکچر کو, اور یہاں کوس فائلیں یہاں سے فٹ کر سکتے ہیں, اور پھر سے کنٹرول زیڈ واپس کر سکتے ہیں, واپس کر سکتے ہیں. یہاں سے پکچر کو بڑا کر سکتے ہیں, اور یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں, یہاں سے بڑا سکتے ہیں.